दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा न्यूज लेकर के आए कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक नोटिस है, और पब्लिक नोटिस जो है हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ई सर्टिफिकेट 11 दिसंबर फॉर्म अप्लाई जो है कब होगा और जो है कब निकलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में अपडेट न्यूज लेकर के आए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो है पब्लिक नोटिस जारी किया गया 5 सितंबर को जो है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में दोस्तों समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है सब्जेक्ट जो है इश्यूएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट एंड जेआरएफ आवर लेटर फॉर यूजीसी ने जून 2023 साइकिल जो है REG। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो जो है 2 फेसों में 9 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और जो है 18 शिफ्टों में हुआ था, 83 सब्जेक्ट पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है वो 24 जुलाई को जो है हमारा एग्ज़ाम पहले ही कंडक्ट हो चुका था, और जो एग्ज़ाम की अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है डिक्लियर 24 जुलाई को हो चुका है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो है हम ई सर्टिफिकेट की, ई सर्टिफिकेट हमारा कब जो है कैसे चेक कर सकते हैं, और जो है जेआरएफ अवार्ड के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझते हैं दोस्तों। तो हम जो है आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं, वेबसाइट पर ले जाने के बाद आपको पूरा डिटेल में हम समझाते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो है आपको पब्लिक नोटिस। यहाँ पर पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस में आपको देखने को मिल जाएगा जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट UGC नेट जून 2023, जो हम आपको बताएं कि हमारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है आ गया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमको देखना है जो है जेआरएफ अवार्ड और फिर जो है ई सर्टिफिकेट के बारे में। तो पब्लिक नोटिस आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, आपको पब्लिक नोटिस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से जो हमने आपको यहाँ पर नोटिस दिखाया है, ये नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम जो है, आप देखते हैं अपनी एक्टिविटी को। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा हुआ है। दोस्तों, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जेआरएफ आवर लेटर जून 2023, और फिर आपको देखने को मिल जाएगा जेआरएफ जो है यूजीसी नेट जून जो है सर्टिफिकेट, जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको एक ऑप्शन शो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको शो देखने को मिलेगा ऑप्शन। आपको सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो है डे मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है, यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे जो है तो आपको जो है ई सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन पुरस्कार जो है कब जो है शुरू हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन आप इस चैनल से फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात है कि जो है आप जो बात करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि दिसंबर का फॉर्म कब से अप्लाई होगा या जो है फॉर्म कब आएगा, ये न्यूज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें दिसंबर फॉर्म की, तो दोस्तों दिसंबर का फॉर्म जो है 15 सितंबर से लेकर के जो है 30 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। यानी कि अगर बात करें तो जो है आप जो है सितंबर के तीसरे वीक में या चौथे वीक में आपको जो है दिसंबर का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप जो है दिसंबर सितंबर के लास्ट तक आपको दिसंबर का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म आते ही आपको फिल करना है, और जैसा भी न्यूज़ होगा आपको जो है इस चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो अगर चैनल पर ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और जेआरएफ जो निकालने की तैयारी है तो जोरों से जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन जो है लगातार कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों, हम इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।